हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिशा स्टडीज। हिमाचल प्रदेश में भरे जाएंगे 107 पशु चिकित्सकों के पद। 108 की तर्ज पर चलेंगी पशु एम्बुलेंस। पालमपुर में शपथ समारोह में बोले पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी। तो यहाँ पे ये अपडेट रहने वाली है कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष 107 पशु चिकित्सक पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त फार्मासिस्ट के आप देख सकते हैं यहाँ पे 300, पशु सहायक के यहाँ पे 239 पोस्टों को भरा जाएगा। जो भी नई नवगठित यहाँ पे पंचायतें रहेंगी 412, यहाँ पर इन पदों को यहाँ पे सृजित किया जाएगा। ये कहना था पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी का, जो कि बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के शपथ समारोह में पहुँचे थे। और इस दौरान JC नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में 50 स्नातकों को शपथ दिलाएगी। तो ये सारी अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि दूध उत्पादन के क्षेत्र में जिला ऊना में इसराइल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इस पर खर्च होने वाला है 47.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि पशुओं के लिए 108 की तर्ज पर पशु एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की जाएगी। और इसमें जो भी चिकित्सक फार्मासिस्ट और दवाइयों, और ये प्रदेश के 44 उपमंडलों में आरंभ की जाएगी। तो ये यहाँ पे अपडेट रहने वाली है, आपको यहाँ पे बता दिया जाए। तो ये नेक्स्ट जो आपकी अपडेट रहेगी कि यह वैकेंसीज आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग में कोई ऑफिशियल प्रेस नोट या फिर कोई भी न्यूज़ अपडेट आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये अपडेट रहने वाली है गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।